जोरदार कलकल ध्वनि से सुदामा। गरीबी से बुरा हाल, धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे हे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से महल के गरीब आ गया है। तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया। मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम चेहरे दीन निर्धन फटे हाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बधाली छलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कह दो तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो के मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो
के घर पे सुदामा गरीब आ गया है, जिधर पे सुदामा गरीब आ गया तक नहीं पहुंचाते तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारिकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया। सही कहते हैं, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां न रहोगे भी, अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाने ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात तो समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में। आज भी लीला कुमारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ। महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है, द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को। रुक क्यों गए, आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा, क्या कहा, सुदामा, मेरा बाल सका सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ नाथ वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले, स्वामी 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 स्वामी
ऐसी पसंद। इस प्रकार सुदामा को कृष्ण प्यार से बिठाते हैं और बहुत प्यार से उनका चरण धोते हैं और बहुत प्यार से अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। बार बार सुदामा सोच रहे हैं कि मेरे बचपन के दोस्त ने कितने प्यार से मुझे पहचान लिया और इस तरह से उनका दिल से अपने अश्रु से कृष्ण जो है बार बार आज पैर धो रहे हैं, उनके जख्मों को सहला रहे हैं और माता रुक्मणी बहुत आश्चर्य से देख रही है। इस तरह से उनको फिर नए वस्त्र पहनाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और इस तरह से बहुत प्यार से अपने बराबर की सीट पर उनका पूजा, उनको माला, तिलक, वस्त्र देकर और अपने गले लगाकर बड़े प्यार से अपने बगल में बिठाते हैं। आप सभी भी बोलिए कृष्ण सुदामा की जय। इतने प्यार से दोस्ती निभाते हैं और अपने बगल में बिठाते हैं, कृष्ण भी बैठ जाते हैं। आप सभी ने ये दृश्य देखा, माता रुक्मणी और सत्यभामा वो भी आश्चर्य से देख रहे हैं, तो उनसे भी अनुरोध है वो भी बैठ जाएंगे, माल्यार्पण वो सुदामा जी को कृष्ण को दे दें, कृष्ण सुदामा जी को पहना देंगे जो भी माला पकड़े हुए हैं और बाकी बैठ जाएंगे। द्वारपाल भी अगल बगल में साइड में जगह हो तो बैठ जाए। तो आप सभी ने ये बहुत बार ये दृश्य देखा और सुना, आप सभी थमिए, आप सभी को इसके पीछे जो भाव है वो बताना है। बोलिए द्वारिकाधीश जी की जय, सुदामा की जय। अभी सुनेंगे, देखिए ये कितना सुंदर दोस्ती को निभाया, लेकिन कृष्ण को पता था कि बाल सखा सुदामा इतने दिनों बाद मिले हैं तो ऐसे ही तो नहीं आए होंगे, जरूर कुछ न कुछ मेरे लिए लाया जरूर होगा। और हाँ, हाल चाल पूछ लिया खेल खेल की तरह ही, आज बातों ही बातों में कि घर में कौन कौन है, और सुदामा ने बता भी दिया कि हाँ आपकी भाभी जी भी हैं और बच्चे भी हैं प्यारे प्यारे। तो कहा कृष्ण ने कि अरे दोस्त, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और भाभी ने भी जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर भेजा होगा, है ना। सुदामा हिचकिचाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनको जो चावल की पोटरी बनाकर सुशीला ने आज दिया है वो कपड़ा तार तार और जो चावल टुकड़ी चावल को जो दिया है, मुट्ठी भर चावल को जो दिया है, आज कैसे सुदामा इतने भव्य राजमहल में बैठकर कृष्ण को दे। इसलिए वो मना करते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लेके आया हूँ। लेकिन बड़ी युक्ति से बातों ही बातों में कृष्ण उनको उलझा लेते हैं और कृष्ण उस पोटली को ले लेते हैं और बड़े आनंदित होते हैं, प्यार से उस पोटली को अकेले में खोलते हैं और हारी बैठना ठीक है, इतना सुंदर उपहार, इतना सुंदर भोजन, इतना हजारों मेवा मिष्ठान इसके आगे फीके, इतना प्यार भरा है इसमें, और बड़े प्यार से एक मुट्ठी उठाते हैं और अपने मुख में डाल लेते हैं और दूसरी मुट्ठी उठाते हैं और दूसरी मुट्ठी भी डालते हैं। अब माता रुक्मणी सोच रही है, एक मुट्ठी में तो इन्होंने उसके बदले सारे वैभव को, सारे राजमहल, सारे धन संपदा दे दिया और दूसरी मुट्ठी में प्रभु ने उस सुशीला को सारा कुछ वैभव के साथ साथ चीर यौवना का वरदान दे दिया। अब ये तीसरी मुट्ठी भी प्रभु ने उठाई, रुक्मणी माता ने हाथ रोक लिया कि नहीं प्रभु,
हम सब भी तो हैं, संसार में अन्य भी तो हैं। ये है भगवान की दोस्ती कि भगवान जब देते हैं तो ये नहीं देखते, गिन के नहीं देते। माता रुक्मणी ने कहा कि अब ये हमारे लिए रहने दीजिए। और इस प्रकार आपने दो मुट्ठी के बदले देखा कि भगवान ने कितना कुछ दे दिया। यही दो मुट्ठी भगवान कहते हैं कि आप भी भगवान को अपना सच्चा दोस्त बनाएं। तो जीवन में कहीं भी कई जन्मों में कुछ भी भूल हुई है, उस भूल को भगवान भुला देंगे और हमारा प्रेम इतना गहरा हो भगवान से कि भूल को तो भुला ही दे और बदले में कई गुना प्राप्ति हो जाए। लेकिन वो दो मुट्ठी के बदले